नए नए आविष्कार करते रहते हैं, जैसे गाड़ी को काट के हेलीकॉप्टर बना दिया, शादी में जाते हैं तो भीड़ लग जाता है, 10 मिनट नॉन स्टॉप चलने वाला है, और हालांकि खतरा आपको 1-2 मिनट का ही रहता है। जी जी, अगर बाइक बनाता हूँ उसमें बिना चार्जिंग और बिना इलेक्ट्रिक के चलता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के कठार पंचायत में, और हमारे साथ हैं सुभाष कुशवाहा, जो एक अद्भुत चीज़ बना दिए हैं। अद्भुत इसलिए कह रहे हैं कि ये खास करके महिलाओं के लिए बड़ा सेफ्टीदायक है। सबसे पहले उनसे बात करेंगे, आप अपना परिचय और अपने क्षेत्र का नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष कुमार कुशवाहा, जो ग्राम तुनिया पोस्ट कठार वेस्ट चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। जी, जो आपने जो यंत्र बनाया है उसके बारे में बताइए। ये यंत्र है जो 3 वोल्ट DC से लेके 6 वोल्ट DC से काम करता है, बढ़ती घटनाओं के अनुसार से। ये सोच के आपने दिमाग में ये बनाया है? जी जी। ये सबसे पहले बताइए, इसको तो हम लोग बाद में टेस्ट करेंगे, इसका लागत कितना आया है? इसका लागत 500 रुपया। 500 रुपया लागत? जी जी। और ये काम कैसे करता है? अभी इसको चालू मत करिए, काम कैसे करता है, मतलब इसमें किस तरह का यंत्र लगा है, ये चार्ज कैसे होगा, और लोग इसको कितना देर इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको चार्ज करने में 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा जी। और इस्तेमाल कितनी देर तक इसको कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं? वही मान लीजिए 10 मिनट। 10 मिनट नॉन स्टॉप चलने वाला है, और हालांकि खतरा आपको 1-2 मिनट का ही रहता है। जी जी। अगर कहीं महिलाओं के ऊपर कोई छेड़खानी किया, 1 मिनट में दाब दिया, सब दूर भाग गया, और नहीं भागा तो वो तो भुगतबे करेगा करंट। जी जी जी। एक बार जब वो कितने वाट का झटका देने वाला है? 4 लाख वोल्ट। अब अंदाजा लगा लीजिए, बेहोश नहीं होगा, मरेगा नहीं, घबराइए नहीं। अब ये बताइए, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे है, क्योंकि आप नए नए आविष्कार करते रहते हैं, जैसे गाड़ी को काट के हेलीकॉप्टर बना दिया, शादी में जाते हैं तो भीड़ लग जाता है, आप किस तरह, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे है? जी, आर्थिक स्थिति थोड़ा लो है, उसीलिए थोड़ा कुछ होता तो मेरे एक बार बाइक बनाता, उसमें बिना चार्जिंग और बिना इलेक्ट्रिक के चलता हो। बाइक बनाते हैं? बिना चार्जिंग के चलेगा, चार्जिंग नहीं होगा उसमें, डायरेक्टली एक ही बार फिक्स हो जाएगा और जितना देर चलाते रहिए। मतलब कैसे चलेगा, उसका फ्यूल क्या हो रहेगा, उसका मतलब चार्ज पेट्रोल रहेगा या बैटरी रहेगी या कोई पदार्थ? बैटरी रहेगा बल्कि वो चार्ज नहीं करना पड़ेगा। चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा? जी जी। और वो कितने दिन तक चलेगी? वो लाइफ टाइम के लिए बनेगा। लाइफ टाइम के लिए बनेगा? जी जी। उसका बैटरी खराब नहीं होगा? बैटरी खराब होगा तो फिर बैटरी डालना पड़ेगा, चेंज कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा सर, सांसद सर से भी गुजारिश करेंगे, और विधायक जी भी करेंगे, और ये क्षेत्र के नेताओं से करेंगे कि ऐसे टैलेंट को आप लोग खोइएगा नहीं, जरूर बढ़ावा दें और आगे बढ़ाएं इस टैलेंट को, ताकि बिहार के जो छोटे और गरीब जो एकदम कमजोर हैं, वो अपने टैलेंट के लोग के कहीं क्षेत्र में मजदूरी ना करें, वो अपने टैलेंट को पूरे विश्व में रिप्रेजेंट करें, ऐसा आप लोग काम करें। जी सुभाष जी, ये आपका जो यंत्र है इसमें कौन से पार्ट्स है, और कितना ये AC वोल्टेज देता है, या किस तरह इसमें जो पार्ट्स लगे हैं वो काम करते हैं? इसमें जो है कि एक बैटरी लगा हुआ है, एक और हाई वोल्टेज जनरेटर लगा हुआ है, ये 4 लाख वोल्ट तक लेके इसका प्रोवाइड है। जी। जैसे एक बाइक का जैसे झटका देता है प्लग, स्पार्क प्लग, वैसे ये भी काम करता है। ये मतलब जिस तरह से हम लोग का प्लग है झटका देता है, जैसे उसमें से एक लाइट निकलता है, उसी तरह इसमें से भी निकलता है? जी जी जी। जैसे झटका देता है स्पार्क प्लग, वैसे ये भी काम करेगा। अच्छा, हालांकि मैं आपको बता दूं, ये आए दिन कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, इसका तो हम लोग करने वाले हैं, आप लोग बने रहिए, देखते दिखाएंगे आपको कि ये किस तरह काम करता है। लेकिन ये पीछे देखिए, ये इन्होंने एक हेलीकॉप्टर बना दिया, थोड़ा उस साइड से आप दिखाइए, और इन्होंने ही बनाया है ये, और काफ़ी मेहनत करते हैं, इनके भाई भी हैं, वो भी इस काम में इनका हाथ बटाते हैं। क्या नाम है उनका? दिव्यश कुशवाहा। वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं। अब इसकी टेस्टिंग हम लोग करेंगे, इसको सबसे पहले आप बताइए कि किस कोई भी अगर किसी के साथ दुर्घटना होने वाला है, या मान लीजिए कोई महिला अकेले जा रही है, कोई छेड़खानी करने की कोशिश किया, तो किस तरह इससे बचेगी वो? जैसे ये छोटा यंत्र है, पर्स में भी रख सकते हैं, या बैग बगल में भी रख सकते हैं, या कहीं रख सकते हैं। इसको है ना कि एक बटन से प्रेस करने से आपको ये बिजली का प्रोवाइड करेगा। करके दिखाइए। जो भी इसको प्रयोग करेगा किसी इंसान पे, थोड़े देर के लिए तो वो अचंभा हो ही जाने वाला। अच्छा, इससे कितना खतरा हो सकता है सामने वाले को? इससे कोई मर नहीं सकता है, इससे कोई बेहोशी भी नहीं हो सकता है, इससे यह है कि झटका लग सकता है, तगड़ा लगेगा। जी जी। यानी किसी को कोई परेशान किया तो सिंपल है, खास करके
खास करके महिलाओं के लिए मैं बता दूं कि ये जो यंत्र है काफ़ी हल्का है, आप इसको कैरी कर सकते हैं अपने पर्स में और अपने बैग में, और मैं तो कहूँगा इसको पॉकेट में इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसका बॉर्डर बटन है और इसकी जो मॉडल है आप और भी बेहतर बनाए और भी सुधार करने वाले हैं बटन वाला ताकि और बेहतर हो, बहुत बेहतर हो जाए। हालाँकि ये अपने क्षेत्र से काफ़ी हम लोग का एक गरीब क्षेत्र है, वहाँ से आते हैं। पढ़ाई कितनी हुई है आपकी? जी हाई स्कूल। उसके बावजूद भी देखिए कितना तगड़ा यंत्र, और हाई देखिए, पहले हाई बटन प्रेस किए और फिर हाई देखिए इसमें से जो करंट निकल रहा है देखिए कितना तगड़ा है। यानी ये महिलाओं के लिए काफ़ी ये जो प्रोडक्ट है वो फायदेमंद है क्योंकि उनको अकेले अगर कहीं जाना हो और इस तरह का कोई छेड़खानी करे तुरंत निकल के बटन दबा के दगा दीजिए, थोड़े दिन के लिए तो भागिए जाएगा। और मुझे बताइए, आप एक और पलक के बारे में कुछ बोल रहे थे आप, मतलब अभी आप उसके बारे में ज़्यादा ना बताइए लेकिन कुछ बताइए कि किस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। ये जो है ना स्पार्क प्लग कैसे काम करता है, उसका कितना प्रोवाइड होता है वो भी मैं निकालने वाला हूँ। यानी उसकी माइलेज भी आप बता सकते हैं? जी जी जी। कि ज़्यादा कैसे देगी, कम कैसे? जी जी। कम क्यों दे रही? जी जी। हालांकि जब ये पूरा तरह से तैयार करेंगे तो हम लोग एक बार और आएंगे और इनसे मिलेंगे, और ये अद्भुत चीज़ है जो ग्रामीण क्षेत्र में रह के और इन्होंने काम किया है, काबिले तारीफ है। और हमारा चैनल भी आपको सल्यूट करता है इस तरह का काम करने के लिए और प्रोत्साहित करेगा, और क्षेत्र में और समाज में लोग जो इस क्षेत्र के नेता हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे इनसे आके मिलिए और जो ये काम किया है इनको आगे बढ़ाइए ताकि आने वाले दिनों में इस तरह का जो भी टैलेंट है वो छुपे नहीं और लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे। ये खबर दे रहे थे मधुबनी ब्लॉक से, पटना न्यूज़ 24 लाइव के लिए मैं सरफुद्दीन अंसारी, जय हिंद।